अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जैसा कि एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसके ऊपर आपको जितनी भी जॉब्स वो अनाउंस करेंगे तो वो आपको सारी एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है वो शो होंगी। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वेबसाइट के बारे में, आपने यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है, अपनी डिग्रीज़ वगैरह, अपना एक्सपीरियंस कैसे फ़िलअप करना है, तो टोटल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आपको किस तरह से वेरीफिकेशन कोड इसमें लगाना है, किस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस हो गया, अपनी जो CV है वो कैसे ऐड करनी है, उसके बाद जितने भी आपके स्किल्स वगैरह हैं वो टोटल कैसे ऐड करने हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने वेबसाइट है, वेबसाइट यहाँ पर आपने सर्च करनी है www.ngp.gov.com। तो आपने इसको कर लेना है सर्च। तो जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन एंड साइन अप। तो मैंने वैसे ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपली बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है, तो हमने ये नीचे साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपके पास यहाँ पे पेज आ चुका है, साइन अप अकाउंट टाइप सिलेक्ट, अकाउंट टाइप आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट साइन अप। कैंडिडेट साइन अप के बाद आपने यहाँ पे अपना दे देना है CNIC नंबर। ओके जी, आपने इस पर साइन CNIC नंबर दे देना है, उसके बाद अपना दे देना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड, कोई भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, रैंडमली कोई सा भी लगा दें। उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं सिर्फ आपको किसी और ईमेल आईडी के ज़रिए बता देता हूँ। ओके जी, यहाँ फिलअप करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना, कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो ये कह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट CNIC नंबर हो गया या फिर अपना नाम हो गया, ये चेंज करें। तो मेरे पास और CNIC नंबर नहीं है तो मैं कोई सा भी दे देता हूँ। बस एक और CNIC नंबर है तो वो मैं इसमें करता हूँ ऐड। अगर ये हो गया ऐड, अब यहाँ पे कर देते हैं साइन अप। तो ये हमारा हो गया सक्सेसफुली एडिट। यहाँ पे आपने रिमेंबर करना हो तो रिमेंबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिमेंबर।
उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। सॉरी, जिस ईमेल के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया होगा उसकी आपको मेल आएगी, ठीक है। मेल में आपकी एक्टिवेशन का ऑप्शन होगा, तो आपने उस एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके एक्टिवेट माय अकाउंट, तो आपने इसको क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा दूँ, इस तरह का इसका इंटरफेस है, मोहम्मद फरहान फैयाज। उसके बाद चेंज मैनेजर हो गया, उसके बाद एजुकेशन स्किल्स, आपके टोटली डिटेल यहाँ पे आपके पास मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो इसका अपनी प्रोफाइल लगाई हुई है, उसके बाद अपना नाम हो गया, अपना एड्रेस हो गया और कंट्री हो गई अपना, टोटली मतलब कि जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई और मेरे स्किल्स होंगे, क्या क्या मेरे पास स्किल्स हैं, क्या क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, टोटल मैंने अपना यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं सीवी मैनेजर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख लें कि पर्सनल एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपकी मतलब सीवी क्रिएट ही कर सकते हैं यहाँ पे अपनी, ठीक हो गया। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपकी जितने भी हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेजेस क्या हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आते हैं माई जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, तो यहाँ पे नॉट फाउंड एप्लीकेशन होगा क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम होम पे आते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसका इंटरफेस है और क्या इन्होंने अभी जॉब वगैरह की अपडेट दी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि रजिस्ट्रेशन अकाउंट का ऑप्शन है, कंप्लीट योर सीवी का ऑप्शन है, सर्च जॉब का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप सर्च सेलेक्ट सर्च ऑप्शन, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं बाय बीपीएस ग्रेड, बाय एम्प्लॉयर नेम टाइटल, बाय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे अपनी फील्ड के मुताबिक ही वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड हो गया, मतलब कि आप 1 ग्रेड से लेके आप 22वें ग्रेड तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं बीपीएस और यहाँ पर चेक करते हैं कुछ ये जॉब जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, नॉट फाउंड। उसके बाद दोबारा से हम चेक करते हैं कोई और जॉब और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3। यहाँ पे अभी कोई भी जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं है। जब भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो एक सीवी बना लेंगे इसमें, तो जब भी कोई जॉब्स आएंगे तो उसकी वो आपको ईमेल आ जाएगी कि हाँ भी यहाँ पे आपके मुताबिक या आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पे जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट बिल्कुल ही ओरिजिनल है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे इसको गूगल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, मैंने भी गूगल ही किया हुआ है तो चेक करने की वजह से आपको ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आके आपको इसका इंटरफेस मिलेगा, आप बिज़नेस जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके पास जॉब्स अगर यहाँ पे होंगी तो यहाँ पे वो शो करेगा। तो 2 जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, जॉब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है ये, जो इसका ग्रेड है वो 9 है ग्रेड, फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और मैं जो एज की लिमिट है वो 50 ईयर्स तक है और प्रोविंस, टेरिटरी, फेडरल, कैपिटल, ICT, और मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 10 साल का इसके ऊपर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे अगर जब आपकी सीवी बनी होगी तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक आते हैं और बैक के ऊपर एक और भी आई हुई हमारे पास, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। जी तो यहाँ पे PPS की 8 की जो है वो 3 जॉब्स आई हुई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से,
और दूसरी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ठीक है। ये भी आप भी इसी तरह से अपनी जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपकी जितनी भी अपनी सिर्फ प्रोफाइल ओपन करनी है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है कि किस किस इदारे में कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये अभी अभी अपडेट हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो नीचे भी जिस डिपार्टमेंट से की जॉब्स होंगी तो वो आपको शो हो जाएंगी। तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट उन्होंने बनाई है और रिज्यूम सीवीज जो उन्होंने अपलोड की हुई हैं 12,707 सीवीज इसके ऊपर अपलोड हो भी चुके हैं और अवेलेबल जॉब इसके ऊपर 6 हैं और एम्प्लॉयर जो हैं वो 1 है फ़िलहाल। और नीचे आएंगे तो इनकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी होगी अपनी सिटी जॉब्स के हवाले से भी हो गया और कैटेगरी जॉब्स के हवाले से भी हो गया कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है, सीवी बना लेनी है। उसके बाद जो भी जॉब्स आएंगी वो आपको ईमेल के थ्रू जो भी आपकी एक्टिव मेल जो आपने दी होगी इस वेबसाइट में तो उसी मेल के ऊपर ही आपको अलर्ट मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें और कमेंट पर बता दीजिए कि आपको किस तरह की अगर जिस तरह की भी वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस किसी भी किस्म की तो कमेंट में बता दिया करें ताकि उस तरह की वीडियोस आपको मिल जाए करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।